गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से चैप्टर 5 का आखिरी का पाठ हम आपके पास लेके आए हैं, जिसमें आज हम पूर्ति अनुसूची और इसकी व्याख्या करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूर्ति नियम के बारे में पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने उसके अजम्पशन पढ़े, उसकी मान्यताएं पढ़ी और उसके लागू होने के कारण पढ़े थे। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति अनुसूची की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से डायग्राम के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में वास्तव में जैसे हमने मांग में पढ़ा था व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग अनुसूची, सेम हम यहां पर उसी को हम रिपीट करेंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि वहां पर हमने डिमांड पढ़ा था, यहां पर पूर्ति पढ़ेंगे। मैं अरविंद जारवाल वीडियो को शुरू करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा बाजार पूर्ति और व्यक्तिगत पूर्ति। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि वास्तव में कि पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं, ठीक है। जितने मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंस क्वेश्चन है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो को थोड़ा स्लोली चलाकर देख लें या थोड़ा स्पीड से चलाकर देख लें तो आपको जरूर समझ में आएगा। पूर्ति अनुसूची का निर्माण पूर्ति नियम के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। पूर्ति नियम बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में डाल दिया, मतलब कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि होगी, कीमत में कमी होगी तो पूर्ति मात्रा में भी कमी होगी। पूर्ति अनुसूची को हम यहां पर दो भागों में बांटते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई एक व्यक्ति कीमत दिए होने पर मार्केट में अगर वो क्या करता हो, पूर्ति मात्रा में क्या करता हो, वृद्धि करता हो, कीमत दिए होने पर किसी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाता हो, अगर उसको हम सूचीबद्ध कर दें, ठीक है ना, उसको सारणीबद्ध कर दें, तो उसे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची किसी फर्म विशेष के द्वारा इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी एक फर्म, ठीक है ना, समय विशेष पर टाइम एक पीरियड दिया हुआ हो और बाजार में जो कीमतें जो उपलब्ध कीमतें जो उपलब्ध पूर्ति मात्रा को व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं, या बाजार में जो कीमतें उस समय चल रही हैं उस पर जो पूर्ति की जा रही है वो कहलाता है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। इसे दोस्तों एक टेबल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज करो कि बिस्किट है, बिस्किट में हम बात कर देते हैं, पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है। यहां पर जब कीमत 10 रुपए होती है तो प्रतिदिन जो पूर्ति है वो 300 इकाई होती है, जब कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाती है तो पूर्ति मात्रा भी बढ़कर 400 हो जाती है, कीमत जब 30 रुपए होती है तो पूर्ति मात्रा भी इंक्रीज हो जाती है, 500 इकाई हो जाती है, और प्राइस जब बढ़कर 40 रुपए हो जाती है तो पूर्ति मात्रा भी 600 इकाई हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम पहले लाइन में हमने पढ़ा था कि पूर्ति नियम ही यहां पर क्या करता है, काम करता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होगी पूर्ति मात्रा में वृद्धि होगी, और दोनों में वृद्धि ये बताता है कि कहीं ना कहीं यहां पर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, मतलब धनात्मक संबंध पाया जाता है। एक डायग्राम इसमें जरूर बनाएंगे, उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको बहुत इजीली है समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही डायग्राम बनाते आ रहा हूं एसएस पूर्ति वगैरह, और दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप में आपको बताता आ रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपने ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को शो किया गया है, ठीक है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत है यहां पर, और ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा है। जब वस्तु की कीमत, ठीक है, जब वस्तु की कीमत जब 10 रुपए होती है तो पूर्ति मात्रा 300 इकाई है, कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाती है तो पूर्ति मात्रा 400 इकाई हो जाती है, प्राइस इंक्रीज होकर जब 30 रुपए हो जाती है तो मात्रा 500 इकाई हो जाती है, और जैसे कीमत बढ़कर 400 इकाई होती है तो वस्तु की जो मांग मात्रा है वो 600 इकाई हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो पूर्ति मात्रा भी इंक्रीज हो रही है, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, पॉजिटिव पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि यहां पर पूर्ति नियम काम कर रहा है, कीमत में वृद्धि तो पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आपका रहेगा बाजार पूर्ति अनुसूची। सिंपल सा टॉपिक है और समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को, क्योंकि इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि एक फर्म से ज्यादा फर्में जब एक साथ प्राइस दिए होने पर वस्तु की पूर्ति मात्रा को बढ़ाती है, पूर्ति मात्रा
को आगे बढ़ाने का प्रयास करते, यदि सभी को हम जोड़ दें, उसका एडिशन कर दें, तो इसे हम कहते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची के अंतर्गत सेम आपको वही डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि विभिन्न बाजार कीमतों पर जो मार्केट में उस समय किसी भी गुड्स की प्राइस चल रही है, विशिष्ट वस्तु की पूर्ति करने वाली सभी फर्मों को, जो वास्तव में उस बाजार में जो फर्में हैं वो वस्तु की पूर्ति कर रही हैं, उनका अगर हम योग कर दें, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग जो मिस्टेक है लाइन में, यहाँ पर आपको योग लिखना है, ठीक है ना, योग करना मतलब टोटल करना, ठीक है, या मैं यहां लिख देता हूं आपको योग करना, ठीक है, योग कर दें या उसका टोटल कर दें, ठीक है, तो वो कहलाता है बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, आगे देखें, बाजार पूर्ति अनुसूची में टेबल के अंदर देखो बिस्किट, हम वही पार्ले जी बिस्किट को लेकर चलेंगे और प्राइस हमारी वही रहेगी, जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उस समय पूर्ति मात्रा ए फर्म जो है वो 300 इकाई की पूर्ति कर रहा है और फर्म बी वो 100 इकाई की पूर्ति कर रहा है, उनका जो टोटल कर रहे हैं, टोटल करने पर ही बाजार पूर्ति प्राप्त हो रही है। अगर मैं यहाँ पर 300 प्लस 100 करता हूं तो इक्वल 400 और ये कहलाएगा मार्केट सप्लाई, ठीक है ना, हम इसको मार्केट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, जब वस्तु की कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाती है तो उस समय आपके सामने बाजार जो पूर्ति है वो बढ़ के क्या हो जाती है, 600 इकाई हो जाती है, सिंपल सी बात है, 400 प्लस 200 इक्वल 600, ठीक है, जब 30 हो जाती है तो उसके बाद 800 हो जाती है, ठीक है, और जब 40 होती है तो उसके बाद 1000 हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये इकाइयां जैसे बढ़ रही हैं, ठीक है, मैं इनको इकाई बोलूंगा, यूनिट्स बोल सकते हैं इसको, इकाई बोल सकते हैं, और हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, श्रेणीबद्ध कर रहे हैं, और यही कहलाता है बाजार पूर्ति अनुसूची। तो दोस्तों जो बाजार पूर्ति अनुसूची है इसका डायग्राम बनता है और डायग्राम सेम ऐसा ही बनेगा जैसा डायग्राम हमने व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का बनाया था। बाजार पूर्ति अनुसूची के अंतर्गत वही वस्तु की कीमत ओ एक्स अक्ष पर वही आपका पूर्ति मात्रा रहेगा और ओ वाई अक्ष पर आपकी वस्तु की कीमत रहेगी। यहां पर कीमत में जो जो परिवर्तन हो रहा है बाजार पूर्ति में भी उसी प्रकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जोड़ रहे हैं। कीमत अगर बढ़कर 10 रुपए से 30 रुपए हो जाती है तो पूर्ति मात्रा जो है बाजार वो 400 से बढ़कर 800 हो जाती है, और अगर कीमत बढ़कर 40 रुपए हो जाती है तो बाजार पूर्ति मात्रा 1000 इकाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा है, दोनों में वृद्धि जो हो रही है वो धनात्मक हो रही है ना कि ऋणात्मक हो रही है, और यही हमारा कहलाता है बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आएगा वीडियो। आगे की वीडियो में हम आपको पूर्ति मात्रा, व्यक्तिगत पूर्ति मात्रा और बाजार पूर्ति मात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।